हेलो एवरी वन हाउ आर यू आई होप यू ऑल विल बी वेरी फाइन टूडे आई एम गोइंग टू टीच यू अबाउट साइंस चैप्टर नंबर थर्ड क्लास सिक्स ओके द टाइटल ऑफ द चैप्टर इज़ फाइबर टू फैब्रिक सो लेट्स स्टार्ट न्यू चैप्टर फाइबर टू फैब्रिक ओके वॉट इज़ द मीन ऑफ फाइबर फाइबर मीन्स होता है रेशा रेशा एंड फैब्रिक मीन्स होता है कपड़े तो इस चैप्टर में हम फाइबर से कैसे फैब्रिक बनाते हैं उनके बारे में स्टडी करेंगे ओके सो so, आपका लर्निंग टारगेट है यहाँ पे इन दिस चैप्टर यू विल लर्न अबाउट फर्स्ट हिस्ट्री ऑफ क्लॉथिंग सेकंड फाइबर्स थर्ड इज़ वैरायटी इन फैब्रिक्स फोर्थ इज़ प्लांट फाइबर ओके तो सबसे पहले आप इस चैप्टर में क्लॉथिंग की हिस्ट्री के बारे में स्टडी करेंगे सेकंड में आप फाइबर्स के बारे में स्टडी करेंगे थर्ड में आप फैब्रिक्स की वैरायटी, आई मीन कपड़े की वैरायटी के बारे में स्टडी करेंगे और फोर्थ में आप पढ़ेंगे प्लांट्स फाइबर के बारे में ओके okay? और नेक्स्ट टॉपिक है आपका फिफ्थ टॉपिक स्पिनिंग कॉटन यॉर्न सिक्स टॉपिक है आपका यॉर्न टू फैब्रिक एनिमल्स फाइबर सिंथेटिक फाइबर तो ये सभी टॉपिक हैं जिनके बारे में हमें स्टडी करनी है ओके सो लेट्स स्टार्ट इंट्रोडक्शन बुटन फिंगर योर बुक पेज नंबर ट्वेंटी नाइन हिस्ट्री ऑफ क्लॉथिंग हम सबसे पहले क्लॉथ के हिस्ट्री के बारे में स्टडी करेंगे इन एनिसेंट पीरियड प्रीमेटिव मैन एंड वुमेन हैड अ नो आइडिया अबाउट क्लॉथ्स एंड वेयर एट द मेसी ऑफ द वेदर ओके एनिसेंट टाइम में पुराने न, पुराने जमाने में जो मैन और वुमेन थे उन्हें क्लॉथ्स के बारे में कोई भी आइडिया नहीं था ओके ड्यूरिंग द स्टोन एज ह्यूमन बींग्स स्टार्टेड कवरिंग देयर बॉडी विद द बार्क ऑफ ट्री बिग लीव्स ऑफ ट्री एनिमल्स स्किन्स एंड फर्स टू कीप देम वम उसके बाद जब स्टोन एज आया उस समय ह्यूमन बींग्स ने अपने बॉडी को कवर करना स्टार्ट किया अब देखिए वो कैसे अपने बॉडी को कवर करते थे पहले के ज़माने में आई मीन एनिसेंट टाइम पे कपड़े नहीं होते थे तो वो अपने अपने बॉडी को कैसे कवर करते थे ट्रीज़ के बार्क से बड़ी बड़ी पत्तियों से है ना बिग लीप से आ, एनिमल्स के स्किन से जो उसकी जो स्किन निकलती है जिसको हम आ, क्या बोलते हैं हिंदी में खाल बोलते हैं ओके फर्श है से जो हेयर रहते हैं उससे वो क्या करते थे अपने बॉडी को कवर करते थे आप लोगों ने टी वी देखा होगा जैसे कि डिस्कवरी चैनल पे भी बहुत ये सब दिखाता है है ना ओके यहाँ पे आप पिक्चर भी देख सकते हैं ये फिगर थ्री पॉइंट वन ओके तो इनका यूज़ करके वो अपने बॉडी को क्या करते थे वार्म करते थे और कवर करते थे लेटर ऑन वैन पीपल टर्न इन टू एग्रीकल्चरिस्ट दे लर्न टू वेब ट्विंग्स एंड ग्रॉस इनटू फैब्रिक्स उसके बाद क्या हुआ जो पेपल्स थे वो क्या करने लगे अब देखिए धीरे धीरे एग्रीकल्चरिस्ट की एग्रीकल्चरिस्ट लोग आने लग गए है ना एग्रीकल्चरिस्ट आए वो क्या किए दे लर्न वेव ट्विंग्स इन ग्रास इन टू फेबरिक्स उन्होंने ग्रास से क्या किया फ़ैब्रिक बनाना स्टार्ट किया दे द दरली पीपल वोर फैब्रिक्स मेड आउट कॉटन दैट ग्रो इन द रीजन्स नियर रिवर गंगा एंड फ्लैक्स वेयर कल्टिवेटेड नियर द रिवर नील अब देखिए फिर उसके बाद एयरली पीपल्स थे उन्होंने क्या किया और भी फैब्रिक्स बनाना स्टार्ट किया उन्होंने कॉटन से कॉटन को ग्रो किया कहाँ पे ग्रो किया उन्होंने कॉटन को कॉटन को उन्होंने रिवर गंगा रिवर के नियर पे ग्रो किया और उससे उन्होंने कपड़े बनाना स्टार्ट किया उसके बाद जो फ्लैक्स है फ्लैक्स भी एक फैब्रिक्स है जिसे उसकी खेती किया जाने लगा कल्टीवेटेड किया गया और इसे इस कहाँ पर कल्टिवेटेड किया गया नील रिवर के पास में ओके जिसे फिर क्या करने लगे वो फैब्रिक्स बनाने लगे दिस पीपल यूज वेयर एन स्टिच क्लॉथ्स बिकॉज द स्टिच वॉज नॉट नोन तो उस टाइम पे जो पीपल्स थे वो क्या करते थे अन क्लॉथ को वो वियर करते थे आई I मीन mean, वो उसे पहनते थे जो सिला हुआ नहीं होता था जिसे हम क्या बोलते हैं अन स्टिच बिकॉज स्टिचिंग वॉज नॉट नोन उस समय वो स्टिचिंग के बारे में नहीं जानते थे पीपल सिंपली ड्रॉप ड्रॉप द फैब्रिक्स अराउंड डिफरेंट पार्ट्स ऑफ देयर बॉडी अब वो अपने सिंपली uh, वो क्या करते थे फैब्रिक से अपने बॉडी के पार्ट्स को कवर कर देते थे वो उन्हें ढक लेते थे ओके विद द इन्वेंशन ऑफ शिविंग निडिल्स पीपल स्टार्टेड स्टिचिंग फैब्रिक्स टू मेक क्लॉथिंग क्लॉथ्स अब धीरे से उसके बाद क्या हुआ कुछ समय बाद शिविंग निडिल की इन्वेंशन हुई आई I मीन mean, जो सुई होती है जिसे हम कपड़े सिलते हैं उसका इन्वेंशन हुआ उसके बाद जो पेपल्स थे वो स्टिच कपड़े पहनने स्टार्ट किए इस्टीच क्लॉथ्स बिगन टू टू बी यूज इन इंडियन अराउंड द फोरटीन सेंचुरी अब देखिए स्टीच क्लॉथ का यूज़ कब स्टार्ट हुआ है इंडिया पर फोरटीन सेंचुरी पर ओके इवन टूडे पीपल यूज़ अन स्टीच पीसेज ऑफ फेब्रिक इन फॉर्म ऑफ साड़ी धोती लुंगी और टर्बन और आज के समय में देखिए अभी जो पीपल्स यूज़ करते हैं अन स्टीच कपड़े हम कौन से कपड़े यूज़ uh, करते हैं ज़्यादातर हम तो स्टिच वाले क्लॉथ्स यूज करते हैं बट हम अनस्टिच क्लॉथ भी यूज़ करते हैं तो उसके जो पीसेज ऑफ फैब्रिक जो फैब्रिक के पीसेज होते हैं जो अनस्टिच होते हैं जस्ट लाइक साड़ी जो साड़ी होती है वो कैसी होती है अनस्टिच होती है उसे वूमेंस लोग क्या करते हैं वेयर करते हैं है ना तो ये क्या होती है अनस्टिच होती, तो होती, होती है वो क्योंकि जो साड़ी होती है वो बहुत ही ज़्यादा लॉन्ग होती है और उसमें स्टिचिंग नहीं होती वो एक कपड़े की क्या होती है बहुत लॉन्ग पीस होती है अब जैसे कि नेक्स्ट देखेंगे धोती धोती भी क्या है वो भी अनस्टिच है लुंगी हो गया और टर्बन टर्बन मीन्स होता है पगड़ी वो भी ये सब क्या है अनस्टिच होते हैं ओके वेस्टर्न क्लॉथिंग गैंड पॉपुलरिटी इन इंडिया ज्यूरिंग द ट्वेंटी सेंचुरी अब देखिए वेस्टर्न ड्रेस जो वेस्टर्न क्लॉथिंग होते हैं उस उसकी पॉपुलरिटी इंडिया पे कब बढ़ी ट्वेंटी ट्वेंटी सेंचुरी पे ओके गाइस अंडरस्टैंड हज़ nowadays you यू विल फाइंड अ लार्ज of ऑफ़ फैब्रिक्स एंड materials मटेरियल्स इन द मार्केट बट अभी के जो अभी के समय में क्या हो रहा है आप देखेंगे आप फाइंड करेंगे कि फैब्रिक्स की बहुत ज़्यादा लार्ज वेराइटी अवेलेबल होती हैं ओके okay? तो मार्केट में आप देखेंगे बहुत सारे वेराइटी के क्लॉथ्स अवेलेबल होते हैं ओके okay? अब नेक्स्ट है देखिए फैक्ट जोन में इट इज़ बिलीव डेट द सिल्क वॉम फर्स्ट वेयर डोमेस्टिकेटेड अराउंड द थ्री थाउजेंड बी सी इन चाइना आप देखेंगे जो सिल्क वाम होता है सिल्क वाम के बारे में आप जानते हैं जो सिल्क वाम से क्या मिलता है हमें सिल्क मिलता है तो इसे फर्स्ट कहाँ पे डोमेस्टिकेटेड किया किया गया थ्री थाउजेंड के अराउंड उसके आ, उस टाइम उस इसे थ्री थाउजेंड के अराउंड चाइना पे फर्स्ट डोमेस्टिकेटेड किया गया ओके इन इंडिया कॉटन कैम इन टू वाइड स्प्रेड यूज़ अराउंड थ्री थाउजेंड बी और इंडिया पे जो कॉटन का यूज़ है वो कब वाइड स्प्रेड हुआ कब वो फैल गया आ, इसका यूज़ थ्री थाउजेंड अराउंड पे यहाँ पे इंडिया पे पूरा वाइड स्प्रेड हो गया ओके अंडरस्टैंड द नेक्स्ट टॉपिक इज फाइबर्स ओके सो लेट्स ओपन पेज नंबर थर्टी पुट ऑन फिंगर योर बुक अ फाइबर इज अ थ्रेड विच इज़ स्ट्रांग एंड फ्लेक्सीबल इनफ टू मेक क्लॉथ्स वॉट इज़ फाइबर तो फाइबर एक प्रकार से क्या है थ्रेड है आई मीन फाइबर इज़ अ थ्रेड फाइबर क्या है धागा है आप लोग धागा देखे होंगे उसी को हम क्या बोलते हैं थ्रेड विच इज़ स्ट्रॉन्ग एंड फ्लैक्सीबल इनफ टू मेक क्लॉथ्स तो थ्रेड कैसा होता है स्ट्रॉन्ग होता है और ये फ्लैक्सीबल होता है जिसे हम क्लॉथ्स बनाने में यूज़ करते हैं इट इज़ अ हेयर लाइक अ थीन स्ट्रेंथ फ्रॉम दी विच ऑल फाइबर्स फैब्रिक्स आर मेड देखिए जो थ्रेड होता है वो हेयर के जैसा होता है और ये स्ट्रैंड फॉर्म्स में होता है जिससे हम क्या बनाते हैं सभी प्रकार के फैब्रिक्स को हम बनाते हैं फाइबर्स आर स्पून इंटू थ्रेड्स एंड लेटर दे आर वूवन इंटू क्लॉथ्स विद द हेल्प ऑफ लूम्स और विविंग मशीन फाइबर को हम सबसे पहले क्या करते हैं स्पून करते हैं थ्रेड के रूप में आई I मीन mean, हम उससे पहले क्या करते हैं स्पून कर लेते हैं उसके बाद हम उससे क्या करते हैं क्लॉथ्स को वीप करते हैं वीविंग करते हैं मीन्स बुनते हैं किसके हेल्प से हम वीप करते हैं से लूम्स के हेल्प से या फिर वीविंग मशीन के हेल्प से ओके फाइब फैब्रिक्स आर मेड अप ऑफ यार्स एंड ऑफ फॉर अदर अप ऑफ फाइबर फैब्रिक्स किससे बनते हैं यार्न से यार्न भी क्या है धागा है यार्न को हम धागा बोलते हैं एंड जो यार्न है वो किससे बनते हैं फाइबर से ओके वेराइटी इन फेब्रिक्स नेक्स्ट टॉपिक इज़ वेरायटी इन फैब्रिक्स वेन वी गो टू अ क्लॉथ्स ऑफ इन टू मार्केट वी शी अ लार्ज वेराइटी ऑफ क्लॉथ्स ओके जैसे ही हम क्या करते हैं मार्केट में क्लॉथ cloth, क्लॉथ्स के शॉप में जाते हैं तो हमें क्या देखने को मिलता है वहाँ पर लार्ज वेराइटी में हमें क्लॉथ्स देखने को मिलता है ओके दिस क्लॉथ्स आर मेड फ्रॉम डिफरेंट फेब्रिक्स लाइक कॉटन वूल सिल्क जूट इटी सी और ये क्लॉथ्स अलग अलग टाइप्स के फैब्रिक से मिल बने होते हैं जस्ट लाइक कॉटन वूल सिल्क जूट इटी से ये सभी क्या हैं फैब्रिक्स हैं थस वेरियस टाइप्स ऑफ फैब्रिक्स विच आर कॉम कॉमनली यूज बाई और अब यहाँ पे देखिए बहुत सारे जो फैब्रिक्स हैं जिससे हम इसके कॉमनली यूज़ होते हैं जो कॉटन फैब्रिक्स ओके कॉटन फैब्रिक का यूज़ हम करते हैं बहुत ज़्यादा करते हैं क्योंकि काटन के बहुत सारे कपड़े बनते हैं कॉटन के बहुत सारे क्लॉथ्स आपने देखे होंगे कॉटन के शर्ट साड़ी ओके okay, और भी बहुत सारे वैरायटी आपने कॉटन की देखी होगी उससे हैंड चिप बनती है ओके सिल्क फैब्रिक सिल्क फैब्रिक्स के भी बहुत अच्छे अच्छे, अच्छे कॉस्टली साड़ीज़ बनती हैं जो बहुत ही अच्छी होती हैं सिंथेटिक फैब्रिक्स सिंथेटिक्स फैब्रिक्स भी बनते हैं वूल फैब्रिक्स वूलन क्लॉथ्स आपने देखे होंगे ये सब क्या है क्लॉथ्स की वेराइटी है ओके वी यूजली वेयर क्लॉथ्स मेड अप ऑफ कॉटन फैब्रिक्स इन समर एंड वूल फैब्रिक्स इन विंटर अब देखिए आप जो कॉटन के फैब्रिक्स कब पहनते हैं आप कॉटन के क्लॉथ समर सीजन में ओके okay? और वुलन फैब्रिक्स का पहनते हैं आप विंटर सीजन में तो ये किसके ऊपर डिपेंड करता है क्लॉथ्स का हम हमारा वेयर करना सीजन के ऊपर डिपेंड करता है ओके द क्लॉथ्स मेड अप ऑफ सिल्क एंड सिंथेटिक फैब्रिक्स आर मोर कम्फर्टेबल वैन द वेदर इज़ नाइदर हॉट नॉर कोल्ड अब देखिए आपने कॉटन के क्लॉथ समर में पहने और विंटर के में वुलनन क्लॉथ्स पहनते हैं बट जो सिल्क और सिंथेटिक फैब्रिक्स होते हैं वो बहुत ही ज़्यादा कंफर्टेबल होते हैं ये वेदर के ऊपर डिपेंड नहीं करते क्योंकि ये ज़्यादा हॉट भी नहीं होते और ज़्यादा ये क्लॉथ कोल्ड भी नहीं होते ओके जैसे कि विंटर के क्लॉथ्स पहनने से विंटर में जो वुलन क्लॉथ्स पहनते हैं उसे हमें वार्म लगता है हमारी बॉडी हॉट हो जाती है जिसे हमें विंटर सीजन में पहनने में ठंड से बचने में हेल्प मिलती है और समर में कॉटन पहनते हैं तो उसका इफेक्ट पड़ता है हमें थोड़ा कूल कोल्ड लगता है ओके क्योंकि ये बहुत ज़्यादा लाइट होता है बहुत ही अच्छा रहता है कंफर्टेबल लगता है ओके फैब्रिक्स आर मेड अप ऑफ यार्न अब देखिए जो फैब्रिक्स होते हैं वो किससे बनते हैं यार्न से आई I मीन mean, थ्रेड से यहाँ पे पिक्चर देखेंगे थ्री पॉइंट टू पे यहाँ पे देखिए इन लास्ट व्यू ऑफ फैब्रिक्स सेकंड में देखिए अ यार्न बीइंग पुल्ड फ्रॉम फैब्रिक्स यहाँ पे कपड़े बन चुके हैं ओके एक्टिविटी वन अभी आप एक्टिविटी वन की में स्टडी करेंगे एम टू स्टडी द फैबर्स ऑप्टेन फ्रॉम अ फैब्रिक्स इसका एम क्या है हमें फाइबर से कैसे फैब्रिक बनाना है इसके बारे में हम स्टडी करेंगे मटेरियल रिक्वायर्ड कॉटन फैब फैब्रिक पीसेस मैग्नीफाइंग ग्लास एंड निडल तो आपको क्या क्या लगेगा यहाँ पे कॉटन की जो फैब्रिक्स हैं उसके पीसेस लगेंगी और मैग्नीफाई ग्लास लगेगा आपको और एक निडल लगेगी ओके okay? प्रोसीज़र uh, इसके प्रोसीजर देखेंगे अ पीसेस ऑफ कॉटन फैब्रिक्स एंड ऑब्जॉर्व एड बाय मैग्नीफाइंग ग्लास आपको सबसे पहले कॉटन की जो फैब्रिक्स है उसके पीसेस लेने हैं और इसे आपको मैग्नीफाइंग ग्लास से ऑब्जॉर्व करना है ओके सेकंड पॉइंट देखेंगे नाउ फाइंड अ लूज लूज एट वन ऑफ द एडेज एंड पुल आउट अन

द थम एंड लेफ्ट हैंड स् इस्क्रेच द अदर एंड अलॉन्ग लैन विद दम थम नेल ऑफ योर राइट हैंड उसके बाद आपको यारन को टेबल पर रखना है उसके बाद आप उसके वन एंड से अंडर करेंगे फिर अपने थम से लेफ्ट हैंड से उसे स्क्रैच करेंगे अदर एंड अलॉन्ग लैन विद द थम नेल फिर उसे करेंगे राइट हैंड पर फिर आई I मीन mean, जैसे क्लॉथ्स को हम क्या करते हैं स्टिच करते हैं वह सही प्रोसेस यहाँ पर करना है तो ऑब्जर्वेशन क्या होगा इसका फैब्रिक्स अपेयर टू कॉन्सिस्ट ऑफ वेरी थिन यॉर्न क्रॉसिंग ईच अदर एट राइट एंगल्स हम इसे क्या कर रहे हैं क्या फाइंड आउट हुआ इसमें हमें जो यार्न है वो एक दूसरे से क्या हो रहे हैं क्रॉसिंग हो रहे हैं और यहाँ पे जो राइट right एंगल्स के पास से इसे हम क्रॉस करने हैं कर रहे हैं द यस स्प्लिट इन टू फ्यू थिन स्ट्रेंड्स यहाँ पे जो यार्न क्या हो चुके हैं पूरे स्प्लिट हो चुके हैं ओके और इसकी एक स्ट्रैंड बन चुकी है ओके फर्स्ट फर्स्ट वाले जो फिगर में आप देखेंगे मैग्नीफाइड व्यू ऑफ अ पीसेज ऑफ कॉटन क्लॉथ इसे मैग्नीफाई ग्लास से देख रहे हैं तो इसका जो व्यू दिख रहा है कॉटन का ये है इसका जो फिगर है ए में दिख रहा है बी में देखेंगे पुलिंग अ यॉर्न थ्रेड फ्रॉम द फैब्रिक्स हम इसे यॉर्न से क्या कर रहे हैं फैब्रिक्स को पुल कर रहे हैं उसके बाद सी में देखेंगे स्प्लिटिंग यॉन एंड टू स्ट्रेंड्स ये यॉन क्या हो चुका है स्प्लिट हो चुका है अब डी में देखेंगे यॉर्न स्प्लेट इन टू थिन स्टैंडर्ड्स कॉल्ड फाइबर अब यहाँ पे ये क्या बन चुका है जो यॉर्न है ये फाइबर्स बन चुका है तो हम इसमें फाइबर से क्या बना रहे हैं फैब्रिक बना रहे हैं ओके नेक्स्ट टॉपिक इज टाइप्स ऑफ फाइबर हम अब टाइप्स ऑफ फाइबर्स देखेंगे देयर आर टू टाइप्स ऑफ फाइबर नेचुरल फाइबर एंड सिंथेटिक फाइबर तो फाइबर कितने टाइप्स के होते हैं टू टाइप्स के फर्स्ट इज नेचुरल फाइबर एंड सेकंड इज सिंथेटिक फाइबर इससे पहले मैंने आपको फाइबर के बारे में बताया कि वॉट इज़ फाइबर तो फाइबर का डेफिनेशन क्या होगा अ फाइबर इज़ अ थ्रेड विच इज़ स्ट्रांग एंड फ्लैक्सीबल इनफ टू मेक क्लॉथ्स ओके अब देखेंगे टाइप्स ऑफ फाइबर फर्स्ट इज़ नेचुरल फ़ाइबर फाइबर ऑप्टेन फ्रॉम प्लांट्स एंड एनिमल्स आर नोन एज नेचुरल फाइबर तो जो फाइबर हमें प्लांट्स एंड एनिमल से ऑप्टेन होते हैं उसे हम नेचुरल फ़ाइबर बोलते हैं ओके okay? या फिर एक और मैं आपको बता रही हूँ एक और डेफिनेशन बता रही हूँ आपको मैं नैचुरल फ़ाइबर ऑप्टेन, नेचुरल सोर्सेज इस कॉल्ड नेचुरल फ़ाइबर तो यहाँ पे नेचुरल सोर्सेज से हमें नेचुरल फ़ाइबर मिलता है तो नेचुरल सोर्सेज यहाँ पे क्या हो गए प्लांट्स और एनिमल प्लांट्स एक सोर्स हो गया हमें फ़ाइबर्स मिलने का और एनिमल भी तो ये नेचुरल हुए ये नेचर में अवेलेबल रहते हैं प्लांट्स और एनिमल्स तो जो नेचर के थ्रू मिलता है हमें उसे हम क्या बोलते हैं नेचुरल फ़ाइबर फॉर एग्ज़ाम्पल कॉटन एंड जूट फाइबर्स आर ऑप्टेन फ्रॉम प्लांट्स वूल इज़ ऑप्टेन फ्रॉम फ्लीस ऑफ सीप और गॉड अब देखेंगे एग्जाम्पल के यहाँ पे देखेंगे जो कॉटन है और जूट है वो हमें कहाँ से मिलते हैं प्लांट्स से क्योंकि कॉटन की क्या होती है प्लांट्स होती होती है और जूट की भी प्लांट्स होती है जिससे हम कॉटन एंड जूट फाइबर को ऑप्टेन करते हैं तो ये कौन से सोर्स से मिला हमें प्लांट से वूल ऑप्टेन फ्रॉम फ्लिस ऑफ सीप और गॉड अब जो वूल है वो वूल हमें किससे मिलता है सीप और गॉड के फ्लिस से आई मीन फ्लिस मीन्स होता है एनिमल्स के ऊन इट इज ऑल्सो ऑप्टेन फ्रॉम द हेयर ऑफ रैबिट्स, यॉक एंड कैमल्स और इसे हम किससे ऑप्टेन करते हैं रैबिट्स के हेयर से यॉक कैमल्स के हेयर से सिल्क फाइबर इज ड्रॉन फ्राम द कोकून ऑफ सिल्क वाम अब देखिए जो सिल्क फाइबर होता है ये कहाँ से मिलता है हमें सिल्क वाम कोकुन और सिल्क वाम सिल्क वाम के कोकुन से ओके तो ये भी क्या है सिल्क भी एक प्रकार का नेचुरल फाइबर है क्योंकि ये भी हमें एनिमल से मिलता है कौन से एनिमल से आई I मीन mean, सिल्क वाम सेक्स्ट नेक्स्ट तो, टॉपिक है सिंथेटिक फाइबर फाइबर दैट आर मेड बाय मैन फ्रॉम केमिकल लाइक पेट्रोलियम और कॉल्ड सिंथेटिक फाइबर अब देखिए ऐसा फाइबर जो मैन मेड बनता है मतलब इसे मैंस लॉन्ग बनाते हैं किसके यूज से केमिकल के यूज से इसे मैंस लॉन्ग बनाते हैं जस्ट लाइक पेट्रोलियम आर कॉल्ड सिंथेटिक फाइबर फॉर एग्ज़ाम्पल नायलॉन रेन पॉलिस्टर एंड एक्रेलिक इसके एग्जाम्पल क्या क्या, क्या हैं नायलॉन हो गया और रेन हो गया पोलिस्टर और एक्रेलिक इसके एग्जाम्पल हैं क्योंकि इसे केमिकल केमिकल लाइक पेट्रोलियम यहाँ पे यह पेट्रोलियम क्या है एक प्रकार का केमिकल है तो पेट्रोलियम के हेल्प से और कुछ फा नेचुरल फ़ाइबर के हेल्थ से इसे हम केमिकली यूज़ करके इसे मैंस लोगों के द्वारा बनाया जाता है इसे बड़े बड़े इंडस्ट्रीज पे इसे फैक्ट्रीज़ पे बनाया जाता है इसलिए इसे हम क्या बोलते हैं सिंथेटिक फाइबर ओके तो दिस टॉपिक इज़ कंप्लीटेड अब हम नेक्स्ट टॉपिक नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे ओके okay? तो आज आप लोगों ने जितने भी टॉपिक पढ़े हैं उसे आप नोट्स बनाएंगे रफ में और एक बार अच्छे से रिवाइज करेंगे आपका होमवर्क है व्हाट इज़ फाइबर व्हाट इज़ फाइबर द टाइप्स ऑफ फाइबर व्हाट इज़ नेचुरल फ़ाइबर व्हाट इज़ सिंथेटिक फाइबर ओके एंड हिस्ट्री ऑफ क्लॉथिंग को अच्छे से आप स्टडी करेंगे ओके okay, स्टूडेंट्स uh, यहाँ पर टू क्वेश्चन बन रहे हैं वॉट आर द थ्री बेसिक नीड्स ऑफ ह्यूमन लाइफ तो यहाँ पे देखेंगे बेसिक नेट क्या होते हैं ह्यूमंस ह्यूमंस के नेम द रिवर वेयर कॉटन एंड फ्लैर फ्लैक्स वॉज कल्टिवेटेड बाय एयरली पीपल्स इसे भी आप स्टडी करेंगे ओके मैंने आपको आई थिंक इंट्रोडक्शन स्टार्टिंग पे नहीं रेड uh, किया है मैंने हिस्ट्री से स्टार्ट किया था ओके तो यहाँ पे इंट्रोडक्शन भी आप एक बार देख लीजिए इंट्रोडक्शन लाइक फूड क्लॉथिंग इज़ अ वन आवर बेसिक नीड्स क्लॉथ्स प्रोटेक्ट अज अंगेस्ट हीट कोल्ड एंड रैन ओके जैसा कि आप सभी को पता है कि फूड फूड और क्लॉथ्स हमारी क्या है एक बेसिक नीड है क्लॉथ्स क्यों बेसिक नीड है क्योंकि क्लॉथ्स हमें क्या करती है प्रोटेक्ट करती है हमारी बॉडी को किसके लिए हीट कोल्ड एंड रेन से ये हमें हमारी बॉडी को प्रोटेक्ट करती है वी नीड डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्लॉथ्स टू शिट क्लाइमेटिक कंडीशन एंड कल्चर वेरिएशन ऑफ द प्लेस और हमें अलग अलग टाइप्स के क्लॉथ्स की ज़रूरत होती है क्यों क्योंकि ये किसके ऊपर डिपेंड करता है क्लाइमेटिक कंडीशन के ऊपर या फिर कल्चर वेरिएशन के ऊपर डिपेंड करता है तो हम डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के क्लॉथ्स को वियर करते हैं अलग अलग सीजन में विंटर में वुलन क्लॉथ्स पहनते हैं समर में समर क्लॉथ्स पहनते हैं रैन में रेनी सीजन में हम रेनी क्लॉथ्स पहनते हैं आई I मीन mean, रेन कोट यूज़ करते हैं ओके ऑल क्लॉथ्स आर मेड अप ऑफ वेरियस काइंड ऑफ फैब्रिक्स एवेबल टू अस तो जितने भी जो क्लॉथ्स होते हैं वो अलग अलग टाइप्स के फैब्रिक से बनते हैं जो हमारे पास अवेलेबल होते हैं अलग अलग टाइप के फैब्रिक कॉटन सिल्क ये सभी क्या हैं फैब्रिक्स हैं जूट फ्लैक्स ये सब फैब्रिक्स हैं जिससे क्या करते हैं हम क्लॉथ्स बनाने में यूज़ करते हैं वी गेट दिस फैब्रिक्स फ्रॉम बोथ प्लांट्स एंड एनिमल्स तो ये फैब्रिक हमें प्लांट्स और एनिमल्स से मिलते हैं ओके okay गाइज तो इंट्रोडक्शन मैंने रीड नहीं किया था कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई थी सो so मैंने अभी यहाँ पे इंट्रोडक्शन भी आपको एक्सप्लेन कर चुका है तो यहाँ पे जो क्वेश्चन बन रहे हैं व्हाट आर दी थ्री बेसिक नीड्स ऑफ ह्यूमन लाइफ ह्यूमन लाइफ की बेसिक नीड्स क्या होती है तो फूड 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 इज़ फर्स्ट बेसिक नीड सेकेंड हो गया क्लॉथ्स एंड थर्ड इज थर्ड इज़ स्लेटर रहने के लिए प्लेज जो हमारे लिए बेसिक नीड है क्लॉथ्स भी हमारी बेसिक नीड है फूड भी हमारी बेसिक नीड है तो थ्री बेसिक नीड्स होती हैं नेम द रिवर वेयर कॉटन एंड फ्लैक्स कल्टिवेटेड बाई एयरली पीपल्स यहाँ पे टू सेकेंड क्वेश्चन का भी आंसर यहाँ पे अभी मैंने बताया था रिवर्स ऑफ गंगा नियर ऑफ रिवर्स ऑफ गंगा एंड नील तो आप इसे लिखेंगे फाइंड करके ये दोनों क्वेश्चन आपको बनाने हैं डिफाइन द फाइबर्स इसे भी आपको बनाना है एक्सप्लेन द डिफरेंट टाइप्स ऑफ फाइबर हाउ आर फाइबर्स एंड फेब्रिक इंटर रिलेटेड एक फोर क्वेश्चन को आपको लिखना है ओके गायज थैंक यू